हाय एवरी वन सो एज वी ऑल नो आईबीपीएस बी पी एस पी ओ प्रा गया है और अब एक बहुत प्याने के बच्चों में मेंस को लेके जिनका भी क्वालिफाई हो गया है ठीक है तो जिनका हुआ है उनको बहुत सारी बधाइयां जिनका नहीं हुआ है घबराओ नहीं सबका वक्त आता है आपका भी बहुत अच्छा वक्त आएगा और आपका भी क्वालिफाई होगा हिम्मत बांधे रहो बस और मेहनत करते रहो खैर जिनका क्वालिफाई हुआ है उनकी हम जरा बातें कर लें कि उनको क्या करना है ठीक है बिकॉज आज की डेट देखो और जैसा कि लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड थर्टीथ को है तो उसमें यार मुश्किल से सात आठ दिन है इस सात आठ दिन में कैसे क्या होगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप सभी का खुद से और मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल करके मैसेज करके पूछा है। मतलब मैं अगर दिखाऊं फोन तो स्क्रॉल ही करते रहेंगे इतने सारे मैसेजेस हैं यही ठीक है सो बेसिक हमें करना क्या देखो बेटा अब इस टाइम में क्या होता है ना कि हम लोगों ने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं जी ये नहीं पढ़ा होता है कई दफे में नहीं मींस में आएगा सीधा प्री में आता नहीं है तो यहां ही होते कि अब कैसे manage करेंगे? है।, है देखो अब तीन श्रेणी में बच्चे हैं जिन्होंने कल मुझसे बात करी है मैम जनवरी से देख रहे हैं करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया बात है तीन महीने पहले से देखना शुरू किया ओके देखे ही नहीं है तो शुरुआत करते हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है देखो भाई अब सात आठ दिन है अगर मान लो आगे टल जाता तो वेल एंड गुड लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो इस सात आठ दिन के अंदर आपको करंट अफेयर्स करनी है मैं आपसे कहूं छह महीने की कर लो तो आप छह महीने की कर तो लोगे पर क्या आप उसे रिटेन कर पाओगे रिटेन करके एग्जाम में कर पाओगे दैट इज अ चैलेंज तो छह महीने की केवल करना नहीं है ना एग्जामिनेशन में भी तो हमें कुछ करना है इसलिए माई सजेशन इज गो फॉर फोर मंथस करंट अफेयर जो बिल्कुल नहीं किए हैं उनकी बात कर रही हूँ गो फॉर फोर मंथ करंट अफेयर्स ठीक है चार महीने की करंट अफेयर्स को आप करिए अब इस चार महीने की करंट अफेयर्स में एक चीज खास ध्यान देनी है बिकॉज आई और एस बैंकिंग और फाइनेंस के क्वेश्चन अभी तक अच्छे पूछते आए हैं तो उस एक्सपीरियंस को अगर हम यहाँ पर काउंट करें उसके हिसाब से फिर से बैंक और फाइनेंस के क्वेश्चन आएंगे तो एटलीस्ट छह महीने का केवल और केवल बैंकिंग और फाइनेंस आप कर लो ठीक है बैंक और फाइनेंस की जो न्यूज है वो छह महीने की तो कर ही लो यार इंपॉर्टेंट है ठीक है सवाल बनते हैं यहां से काफी तो चार महीने ओवरऑल कर लो लेकिन केवल बैंकिंग बैंकिंग वाली जैसे आप चार महीने करोगे उसमें बैंकिंग होगी पीछे के दो महीने और बैंकिंग और फाइनेंस को देख लो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखो ऐसे क्वेश्चन पूछने को तो देर आर मेनी चांसेस की ग्यारह महीने पुराने के भी आ जाए बट आप अपने हिसाब से करो बिकॉज बाकी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं तो यू कैन डू बेटर

कि कैसे भी छह महीने क्योंकि तीन महीने आप आराम से कर चुके हो तो उसकी रिविजन आप बहुत जल्दी कर लोगे आप छह महीने को टारगेट करो और बाकी बैंकिंग और फाइनेंस को बिल्कुल रट जाओ जो ये न्यूज है बैंक और फाइनेंस वाली अच्छे से रट लो और जो करते आए हो तुम लोग तो यार बहुत बढ़िया बहुत अच्छी चीज है क्योंकि तुम लोग कर रहे हो तो जो कर रहे हो एक बार बस उसकी रिविजन कर लो ठीक है इफ यू कैन गो फॉर फेबर से कर लो नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो अब याद रखिएगा स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए अगस्त सितंबर अक्टूबर पहले देखो फटाफट से उसकी रिविजन करो ठीक है हाँ, देन मे जून जुलाई एक तरफ में करो फ़रवरी, मार्च अप्रैल ऐसे करो इस तरीके से करो यानी नियरेस्ट मंथ की पहले रिविजन करते चलो ठीक है मॉक टेस्ट हो सके तो दिन भर में एक तो अटेम्प्ट करो बहुत जरूरी है और मॉक टेस्ट उस टाइम पर दीजिए जिस टाइम पर आपका एग्जामिनेशन होता है तो एडमिट कार्ड आ जाए बेटर नहीं तो आप लोग अभी सुबह के टाइम पर दो किसी भी रैंडम टाइम पर मत दो उस टाइम पे जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका माइंड वैसा ही वर्क करता है तो वो काम करिए अब आप लोग ये करंट अफेयर्स के रिवीजन वगैरह कैसे करते हो तो आई हैव टू थिंग्स जो मैंने प्लान करी है इसमें से जो सबसे पहली चीज है ये है आपका नाइन पी का यूट्यूब सेशन मैं अभी आपको दिखा देती हूँ जो आज से लग जाएगा एंड दी अदर थिंग इज थिंगशन टू वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो जरा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर देखिएगा ओके ओके वी आर सॉरी ठीक है हाँ तो ये देखिएगा आप लोग ये है अपना नाइन पीएम वाला जो सेशन होता है उसको इधर आप लोग देखिए सामने से आप लोगों को इधर दिख रहा है ठीक है ये नौ बजे डेली होगा आज रात से शुरू हो जाएगा ठीक है तो नौ बजे हम इस क्लास को डेली करने वाले हैं जरूर आप लोग आइएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं मिक्स कराऊंगी टोटल ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट मेन सिलेक्शन बैच के लिए आप लोग मेन सिलेक्शन 2.0 बैच है हमारी इसमें एनरोल कर सकते हो यहां पे जाके आप लोग सर्च कर लेना सिलेक्शन ठीक है अब ये आ रहा है मेन सिलेक्शन 2.0 बैच इसको आपने क्लिक किया यहां पे देखिए ये सिलेक्शन बैच है टेस्ट भी आपको यहां अवेलेबल कराए गए हैं तो टेस्ट आप लोगों को जो है पीओ मेंस का ऑलरेडी मिल चुका है आप यहाँ पे जाके पीओ मेंस के टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो जैसे आप लोग देख सकते हो क्लासेस आपकी सभी सब्जेक्ट्स की हैं इसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना वहाँ पे अपनी डिटेल्स दे देना ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है आप लोगों को मिल जाएगी कुछ आपको नहीं करना ठीक है सिंपली एनरोल करोगे और अपनी तैयारी को आज से ही क्या कर दोगे शुरू कर दोगे ओके सभी लोगों को याद रखना है इंपॉर्टेंट है अपने आप जब वो करोगे जब आप अपनी डिटेल्स डालोगे गूगल फॉर्म में तो आप लोगों को ये वहीं पर ही मिल जाएगा ठीक है इसके अंदर मैं आप लोगों की मंथली करंट अफेयर्स की रिवीजन भी कराऊंगी जो इस बैच में आपको मिल जाएगा ठीक है वहां पे आप लोगों को जो है पिछले महीने तक की अगस्त तक की मिल जाएगी सितंबर और अक्टूबर की आप लोगों की कल से परसों तक में अपडेट कर दी जाएगी जिसमें हम स्पेक्ट्रम से करते रहेंगे पूरी तैयारी अगर आप लोग कंफ्यूज हो कहाँ से पीडीएफ लेकर पढ़े तो वी हैव स्पेक्ट्रम जो हमारे लाइब्रेरी सेक्शन में आपको मिल जाता है तो लाइब्रेरी में जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो है? स्पेक्ट्रम को डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से और स्पेक्ट्रम मैगजीन मंथली होती है ठीक है स्पेक्ट्रम क्या होती है स्पेक्ट्रम मैगजीन आप लोगों की मंथली होती है उससे फायदा क्या होता है कि आप लोगों को पर मंथ जो पढ़ना होता है वो आसानी से आप लोगों को एक जगह मिल जाती है ठीक है तो वो आप लोगों को कहा मिल जाएगी वो आप लोगों को ये देख लीजिए मिल रही है ये स्पेक्ट्रम कहाँ आई मैं लाइब्रेरी में, में आई लाइब्रेरी में मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करी करंट अफेयर्स जोन है करंट अफेयर्स में आ गई आई स्पेक्ट्रम पर आ गई स्पेक्ट्रम में देखिए यहाँ पे सब अपडेटेड है इंग्लिश और हिंदी ठीक है इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो ओके तो ये आप लोगों को इकट्ठा सारे सोर्सेस हैं पीडीएफ पढ़नी कैन गो फॉर स्पेक्ट्रम क्लास देखनी है मेन सिलेक्शन बैच में आपको क्लास मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए रात के नौ बजे की क्लास चल रही है कितना पढ़ना है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया ठीक है गूगल फॉर्म मिलेगा गूगल फॉर्म को फिल कर देना जहां से आप लोगों की डिटेलिंग आएगी आप लोग एक्सेस कर सकते हो बैच को फिर आप अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हो सो दैट वॉज फ्रॉम माई एंड अब लास्ट टाइम में तैयारी बहुत अच्छी करनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा हेल्दी खाओ हेल्दी रहो वो ज्यादा जरूरी है बाकी रात के नौ बजे की क्लास में मिलते हैं टिल देन थैंक यू सो मच जय हिंद जय जा भारत गॉड ब्लेस यू टेक केयर लव यू बाय ओके